हेलो फ्रेंड्स आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन एन इरिटेटिंग फ्रेंड एक परेशान करने वाले मित्र के बारे में दो मित्रों के बीच का वार्तालाप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इस तरह के कॉन्वर्सेशन सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी तरह के कॉन्वर्सेशन सीखने के बाद एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किस तरह से बातचीत करनी है आपको समझ में आता है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं इज शीना योर रूममेट क्या शीना तुम्हारे कमरे में साथ रहती है रूममेट मतलब एक ही कमरे में रहने वाली यस शीना इज माई रूम मेट शीना मेरी रूममेट है वॉट हैपन क्या हुआ शी इज़ वेरी इरीटेटिंग वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है इरीटेटिंग वर्ड मतलब परेशान करने वाला इरीटेटेड इरीटेटेड का मतलब होता है कि जो परेशान होता है लाइक शी हैज़ इरीटेटेड मी इरीटेटेड मतलब मुझे परेशान कर दिया बट शी इज़ वेरी इरीटेटिंग वो बहुत परेशान करने वाली लड़की है शी ऑलवेज इंटरफेयर्स इन माई वर्कस वो मेरे कामों में हमेशा ही दखल देती है हस्तक्षेप करती है शी कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन अबाउट माई पर्सनल लाइफ वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में प्रश्न पूछती ही रहती है शी इज लाइक दैट ओनली वो ऐसी ही है इट इज हर नेचर यह उसका स्वभाव है आई एम अप विद सच बिहेवियर मैं इस तरह के स्वभाव से इस तरह के व्यवहार से बहुत ही ज्यादा निराश हो चुकी हूँ आई like मैंने उसे कितनी बार बताया है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है बट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ ऑल दिस लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता है शी इज लाइक दैट ओनली इट इज हर नेचर आई एम

लेकिन उसको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के व्यवहार से लोगों को परेशानी होती है या लोग परेशान होते हैं शी फील्स दैट इट इज हर केयरिंग बिहेवियर उसे लगता है कि यह उसका ध्यान रखने वाला स्वभाव है बट शी डज नॉट नो दैट द पीपल गेट हर्ट बाय सच काइंड ऑफ इंक्वायरीज अबाउट देयर पर्सनल लाइफ लेकिन उसको नहीं पता कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं या बहुत ही ज्यादा उन्हें दुख होता आई कैन नॉट बेयर हर फॉर टू आवर्स इन स्कूल मैं उसे स्कूल में दो घंटे भी सहन नहीं कर पाती हूं हाउ कैन यू बेयर हर फॉर द होल डे तुम उसे पूरे दिन कैसे सहन कर सकती हो या तुम उसे पूरे दिन कैसे सहन कर लेती हो आई अदर ऑप्शन मेरे पास और कोई या अन्य कोई विकल्प नहीं है बट आई पर मैंने उससे बातचीत करना बंद कर दिया है। एक बार रीड कर लेते हैं आई बट She does not realize that people get hurt by such kind of behavior. She feels that it is her caring behavior, but she does not know that the people get hurt by such kind of inquiries about their personal lives. I cannot bear her for two hours in school. How can you bear her for the whole day? I don't have any other option. बट आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू हर तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था आई होप ये कॉन्वर्सेशन आपको पसंद आया होगा इसी तरह के और भी कॉन्वर्सेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू